पर बड़वानी जिले के ठिकरी बाईपास पर मालेगांव से उज्जैन जा रहे दूध से भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। ठिकरी बाईपास पर दूध से भरे टैंकर में आग लग गई। टैंकर में लगभग 30,000 लीटर दूध भरा हुआ था। टैंकर के चालक ने बताया कि एबी रोड पर वह जा रहा था, तभी पास से गुजरने वाले अन्य ट्रक के ड्राइवर ने उसे बताया कि तुम्हारे टैंकर में आग लग गई है। तब उसने टैंकर खड़ा कर देखा कि टायरों में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। उसने गाड़ी में रखे पानी से आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग बढ़ती गई। करीब एक घंटे बाद धामनोद और राजपुर से फायर फाइटर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हो गए और धूल डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। मौके पर ठिकरी पुलिस पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। गाड़ी के पीछे वाले ड्रम में जो है वहीं से आग लगा है। अच्छा। दूसरा ड्राइवर हमको बताया भाई गाड़ी में आग लगा है। अच्छा। तो मैं देखने लग गया, उसको खड़ी करके देखने लग गया। अच्छा। तब तक देखा कि ये ज्यादा आग टायर की तरफ आ गया है। अच्छा। टायर की तरफ, तो मेरे पास दो बॉटल पानी था। अच्छा। मैं पानी लेके गया, उसमें मारा तो आग और तेज हो गई। पानी अच्छा। मारने के बाद आग फैल जैसे। अच्छा। फिर इसके बाद में हमारे सेठ का फोन आ गया, मैं बात करने लग गया उसके। अच्छा। फिर इसके बाद में सेठ बोला धूल उल डालो। मैं धूल देख, यहाँ कहाँ धूल मिलेगी, धूल भी ढूंढने जा रहा हूँ। मैं कहा नीचे जाता हूँ, तब तक एक टायर फूट गया। राजगढ़ जिले के ग्राम